अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है नया, वो रिएक्शन काइनेटिक्स है। रिएक्शन काइनेटिक्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और आप जो है वो इसको ओ लेवल्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से पढ़ते थे, और ए लेवल्स में आके आप इसको रिएक्शन काइनेटिक्स के नाम से पढ़ते थे। बेसिकली ओलेवल्स के रेट ऑफ रिएक्शन में आप बात करते थे कि रेट ऑफ रेट क्या होता है, रिएक्शन के क्या होता है, कैसे रेट ऑफ, कौन सी पांच चीज़ें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती हैं, और वो कौन सी पांच चीज़ें हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, प्रेशर, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट। ठीक है, तो एस में भी आपने थोड़ा सा रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में देखा, और अब ए टू में आके आप दोबारा देखते हैं। सो इसकी एक नज़र इसके सिलेबस के ऊपर डालते हैं ज़रा, कि आप ये देख लें कि सिंपल रेट इक्वेशंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट्स की बात हम सबसे पहले, उसके बाद हम जो कैटलिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, और दैट इज इट सिलेबस के लिए। अच्छा जी, सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एएस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा। ये जो भी मैं आपको कराऊंगा, इससे इसका आगे रेट ऑफ रिएक्शन में ताल्लुक है रेट इक्वेशंस में खास तौर पर, तो हम जो है वो इसको आपने गौर से देखना है। आपने ओरल एएस में पढ़ा था, CH3 है, CH3 है, CH3 है, Cl है, प्लस NaOH हुआ है, रिएक्ट किया है CH3 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 OH प्लस NaCl बना। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन था आपके पास? इसको आपने कहा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1। ठीक है, SN1 रिएक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आपके पास CH3 था, ये आपको पता है ना सारा को, जो भी मैंने ऊपर लिखा है आपने पढ़ा हुआ है AS में। CH3 था, CH3 था, Cl है। ठीक है, इसके बाद H3C C पॉजिटिव, CH3 CH3। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, वो ये हुआ कि ये जो था ये डेल्टा पॉजिटिव था, ये डेल्टा नेगेटिव था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो ओ सॉरी रेड में नहीं लिखना, बस OH नेगेटिव बना, और ये जो है ये इधर आता है, और Cl नेगेटिव जो है वो साइड पे आपने साइड पर चला गया। इसके बाद क्या होता है, आपके पास CH3 बनता है, CH3 CH3 और OH बनता है। ठीक है, ये जो पहला पार्ट आपने देखा, ये वाला, ये जो पहला पार्ट था ये वाला, इसमें आपने क्या देखा कि दिस वॉज स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्लियर हो गया, ये आपने ऑलरेडी जो है वो स्टडी किया हुआ है। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है हम जो स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आगे आए आपको मैं एक, इसमें इस रिएक्शन में आपने देखा कि जो रेट एट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेलोजन एल्केन। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेलोजन एल्केन। अच्छा सॉरी, रेट तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के मैं इज इक्वल्स टू लिख के लिख देता हूँ, अब लिख देता हूँ हेलोजिनो एल्केन। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 1। ठीक है, अब ये 1 जो है, व्हाट इज दिस 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
एंड व्हाट इज इसके, इसके इज रेट कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक हो गया। और ये जो चीज है, ये चीज और आपके पास जो ये चीज है, ये आपके पास रेट इक्वेशन बात की, ये रेट इक्वेशन हमने थ्रू दिस रिएक्शन जो है वो निकाली है। अब ये आपने एक रिएक्शन देखा, अब एक को दूसरा रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे वाले को देखें जरा। आपने इसमें क्या किया, आपका सी CH3 HCl, ठीक है, इधर से आपने बनाया CH3 H, ठीक है। आपके पास जो इधर था वो डेल्टा पॉजिटिव था, तो डेल्टा नेगेटिव था, ठीक है। यहाँ से आपने ओ एच नेगेटिव निकाला, ये जो ओ एच नेगेटिव है यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है वो सी एल लगाया, और ये जो सी एल है वो इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। इसका जो ओवरऑल चार्ज बन जाता है वो नेगेटिव बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, CH3 फर्दर, यहाँ पे HO आ गया, H आ गया, H आ गया, प्लस Cl नेगेटिव आ जाता है, ओके। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये जो फेज है आपके पास, ये वाली, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट थी, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ओके, नोट कर लिया आपने। दिस इज वन स्टेप, रेट के ओ एच हेलोजन वन वन, ठीक है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन वन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओ एच नेगेटिव वन, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, टू हो गया। इस वजह से ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। आपने SN1 SN2 किया, ये पीछे आपके पास जो था ये SN1 रिएक्शन था, इसमें जो ओवरऑल ऑर्डर था वो वन था, क्योंकि इसमें एक ही चीज थी, ठीक है। सो, वो SN1 था। ये जो है यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास एक ये था, एक ये था, टू बन गया, जिसकी वजह से ये जो कंप्लीट रिएक्शन था ये SN2 था, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCN गिवस CH3 C O H CN H, ठीक है, KCN यूज एस कैटलिस्ट, ठीक है। देखने में क्या लग रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, ओके। हाँ सी एच थ्री सी बॉन्ड ओ एच, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव एच सी एन, इसके बाद क्या बनता आपके पास, सी एच थ्री सी ओ एच सी एन एच, ठीक है, के सी एन जो है ये के पॉजिटिव प्लस सी एन नेगेटिव, सी एन नेगेटिव। ठीक है, एच सी एन प्लस सी एन नेगेटिव, ये जो है ये एच इसके साथ चला गया, ठीक है। और ये जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन स्टेप है, दिस इज अ स्लो स्टेप, ठीक हो गया, ओके। व्हाट अबाउट इट्स इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी रेट इज इक्वल्स टू के प्लस एल्डिहाइड और कीटोन सी एन नेगेटिव एच पॉजिटिव, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कितने हैं, एक है, सी एन एक है, एच पॉजिटिव नहीं, नहीं, सो ये ऐसा हो गया, ठीक हो गया। आई एम श्योर ये जो तीन रिएक्शन से ये आपको क्लियर हो गए, ठीक हो गया। अच्छा जी, लिखना चाहते हैं, लेकिन दोबारा देखना चाहते हैं, देख। ओके, अब इधर आते हैं और एक समरी जरा लिखे मेरे साथ, समरी, ठीक है। आपने देखा SN1 और आपने देखा SN2, SN1 देखा, SN2 देखा, ठीक है। SN1 में क्या देखा, SN2 में क्या देखा, अब वो लिखते हैं जरा। SN1 में देखा कि रेट है बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेलोजिनल के, ठीक है। आपने कह दिया कि रेट इज इक्वल्स टू के हेलो 1, ठीक है। ये 1 जो था ये इसका ऑर्डर था, एंड दिस के इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। SN2 में आपने देखा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेलो, एल्केन एंड ओ एच नेगेटिव, रेट इज इक्वल टू के हेलो ओ एच नेगेटिव, ठीक है। एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हेलो वाज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओ एच नेगेटिव वाज 1, ओवरऑल ऑर्डर 2 हो गया, 2 हो गया, तो ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। सो
ये आपने समरी लिखनी है, ठीक हो गया। जी ओके, सो आगे चलते हैं अब, और बात करते हैं हम आगे, अब थोड़ी सी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने मेरे साथ लिखना है अब रेट ऑफ रिएक्शन। सो इट इज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक हो गया। सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे? सो इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे मोल Vm-3 S-1। एंड व्हाई इज दैट, इसकी यूनिट्स ये क्यों होंगे? चेंज, आपने देखा कि उसने यहाँ पे लिखा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हो गया? मोल Dm-3 है अपॉन एस है, सेकेंड है। तो ये मोल Dm-3 S-1 आपके पास जो है वो इसके यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो नोट कर लो। अब आगे इसी तरह लिखे रेट इक्वेशन। सो ये क्या है कि द रेट इक्वेशन रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू अप्रोप्रिएट पावर्स। ओके, दिस इज द डेफिनेशन फॉर रेट इक्वेशन। वो रेट इक्वेशंस हमने पीछे आप देख सकते हैं कि लिखी भी हैं। ये आपने एक ये रेट इक्वेशन लिखी, ठीक है, यहाँ पे भी आपने रेट इक्वेशन लिखी, ये क्या हो गया, ये लिखी, ये ठीक है, ये जो मैं आपको नजर आ रहा है ये लिखी, उसके बाद यहाँ पे आपने ये लिखी, ठीक है। तो ये सब आपने रेट इक्वेशन जो है वो लिखी है। ओके, अब आगे चलते हैं, और अब एक और नेक्स्ट चीज जो हम लिखते हैं वो है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या के, ठीक है, जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया था। तो ये क्या है कि इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन रेट इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ के, इसके अलावा आप ये लिखें कि वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू ऑफ के भी कांस्टेंट ही रहेगी, और वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ठीक हो गया। ओके, एक की पॉइंट एक लिखिएगा आप साथ। नेक्स्ट, इस रेट रेट कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं है कि द रेट इक्वेशन ओनली बी डिटरमिंड बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा। डेटा इट नॉट डिटरमाइंड इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल डेटा फाइंड केमिकल इक्वेशन से ये फाइंड नहीं किया जा सकता, रेट इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेज इन रेट इक्वेशन। ठीक हो गया, सो प्लीज नोट इट डाउन कर लें इसको। ओके, आपके जो सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की जो पावर्स हैं वो हैं 0, 1, 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। इससे ज्यादा 3, 4, 5 नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं है। हायर स्टडीज में आप जब आगे जाएंगे, अगर आप केमिस्ट्री जो लोग परस्यू करते हैं आगे, वो आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर जो है वो 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा, डेसिमल्स में भी चला जाएगा ऑर्डर, लेकिन आपके फिलहाल सिलेबस के लिए सिर्फ 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब मेरे साथ जनरल पॉइंट्स रखें। जनरल पॉइंट्स, द रेट इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नॉट बाय लुकिंग एट एन इक्वेशन। स्पीशीज अपीयरिंग इन द स्टिच मैट्रिक इक्वेशन समटाइम्स आरंट इन दी रेट इक्वेशंस। सब्सटेंसेस
जी, तीन जनरल पॉइंट्स मैंने लिखे, कौन कौन से? द रेट इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, नॉट बाय लुकिंग एट एन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज अपीयरिंग इन द स्टोइकोमेट्रिक समटाइम्स आर्ट इन द रेट इक्वेशन, सब्सटेंस इज नॉट इन द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन कैन अपीयर इन द रेट इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज के द ओवरऑल, नहीं ओवरऑल नहीं, द यूनिट्स ऑफ के डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब आप ये देखो, आपके पास है रेट इज इक्वल्स टू के, सो यहां पे मैं कह देता हूं कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू जीरो, के इज इक्वल्स टू मोल Dm-3s-1। अब रेट इज इक्वल्स टू के सी, ठीक है, यहां पे ऑर्डर इक्वल्स टू वन, तो के क्या आ जाती है, मोल Dm-3s-1 अपॉन मोल Dm-3, सो के इज s-1, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर इज इक्वल्स टू टू, तो रेट इज इक्वल्स टू के सी स्क्वेयर, तो इसमें जो के यूनिट्स आएंगे वो मोल -1 Dm3s-2 आएंगे, ठीक है। सो इस पर इसको सॉल्व करके देख लें, रेट इज इक्वल्स टू के सी स्क्वायर, तो आपके पास ये यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, मूविंग ऑन, अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक कॉलम है और एक कॉलम यूनिट्स का है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा और फाइव होगा। आपके यहाँ पर देखें, एक कॉलम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बन रहा है और एक कॉलम यूनिट्स का बना हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा और फाइव होगा। इसके यूनिट्स क्या होंगे? जीरो होगा तो मोल Dm-3s-1, वन हो जाएगा तो s-1, टू हो जाएगा तो मोल -1 Dm3s-1, थ्री हो जाएगा तो मोल -2 Dm6s-1। जब फोर हो जाएगा तो मोल -3 Dm9s-1, फाइव हो जाएगा तो मोल -4 Dm12s-1। अब आप देख रहे हैं कि जीरो से फाइव एक ट्रेंड चला आ रहा है, कि पहले जीरो पर मोल वन था, फिर टू पर वन पर जीरो हो गया, टू पर -1, फिर थ्री पर -2, फिर फोर पर -3, फाइव पर -4, इसी तरह डीएम, और इसी तरह डीएम एस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन होगा तो मोल 1 - n Dm-3 n-1 और s-1। तो अगर nth टर्म आपको फाइंड करनी होगी, सो आप ऐसे करेंगे। अच्छा जी, अब आप ये चलते हैं तो मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो ट्राई करें, इसको ट्राई करें, देखें क्या कह रहे हैं वो।
जी, तो मुझे पता है कि आप में से कोई भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया होगा, या कर पाया है कोई? नहीं कर पाया, कोई मसला नहीं, हम मिलके इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, यार वो कह रहा है कि देखो, ए है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट में ये है, बी है जिसकी ये है, उसका रेट ये है। अब ए और बी का देखें कि आपके पास तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं और तीन एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट रीडिंग्स दी हुई है उसने। तो उसने जो तीन डिफरेंट रीडिंग्स दी हुई है उसको आप देखें, और उससे आपने विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन और वॉल्यूम एंड यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट निकालने। इतनी सारी चीजें आपने फाइंड करनी है, तो टाइम जाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना करता हूँ, सबसे पहले हम ऑर्डर और रेट इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, सबसे पहले ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो एक्सपेरिमेंट थ्री को एक्सपेरिमेंट वन के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है? एक्सपेरिमेंट थ्री डिवाइडेड बाय वन, ठीक है? अब आपको पता है कि रेट इज इक्वल्स टू के, ए ए छोटा ए यानी कि ऑर्डर, बी और छोटा के। रेट आपके पास थ्री में क्या है, एट है, के ए 0.50 ए, बी 0.25 बी। एक्सपेरिमेंट वन में रेट जो है वो फोर है, इज इक्वल्स टू के 0.25 ए और 0.25 बी। अब इन दोनों को जो है वो आपने डिवाइड करना है, तो ये और ये कैंसिल हो जाती हैं, ये और ये भी कैंसिल हो जाती हैं, ये और ये डिवाइड होकर टू आता है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 करें तो क्या आता है, 0.5 टू आता है, तो टू इज पर ए, और ये तो कैंसिल हो गया, तो टू इज इक्वल्स टू टू ए, तो ए क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, वन, टू रेज पर वन टू होता है, तो टू ए विल बी वन, ठीक है? कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ए आपके पास आ गया वन, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज वन, ठीक है? अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं, ठीक है? ये नोट डाउन कर लिया आपने, मैंने अरेज कर दिया। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा तो टू डिवाइडेड बाय वन करेंगे, एक्सपेरिमेंट टू डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट वन, ठीक है? सो टू डिवाइडेड वन, वन में आप वही इक्वेशन लिखो, रेट इज इक्वल्स टू के ए ए बी बी। अब ए की जगह छोट स्मॉल ए की जगह वन नहीं लिखना, ए ही लिखना है। एक्सपेरिमेंट टू में रेट क्या है, एट, के की वैल्यू ऐसी है, ए 0.25 ए, बी 0.50 बी। रेट एक्सपेरिमेंट वन में फोर, के 0.25 ए 0.25 बी। डिवाइड कर दो अब दोनों को, तो फोर डिवाइड बाई एट टू, के कैंसिल हो, ये और ये भी कैंसिल हो गए, 0.5 डिवाइड बाई 0.2 टू आता है, तो टू रेस्ट पावर बी है और टू रेस्ट टू पावर वन है, तो बी इज इक्वल टू वन, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज वन। ऑर्डर ए भी वन था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी भी वन था, तो ऑर्डर विद ओवरऑल ऑर्डर जो है वो क्या हो गया आपके पास, वो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन तो हमने ये दिखा दिया ना कि आपने इस तरह सॉल्व कर दिया, ठीक है? तो फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के ए बी, ठीक है? ये आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम एंड यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। अच्छा जी,
आपने देख लिया कि रेट इज इक्वल्स टू के ए बी, या आपने रेट इक्वेशन। अब इस टेबल में से रेट जोन सा ले ले, ठीक है, जोन से एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ले ले, ठीक है। मैं आपको जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से करके दिखाता हूँ कि रेट अगर 4 है तो के इंटू 0.25 इंटू 0.25, तो के आपके पास 64 आता है, यूनिट्स मोल -1 डीएम -3 एस -1, ठीक है। अच्छा, विद एक्सपेरिमेंट 2 भी अगर आप देख लो, विद एक्सपेरिमेंट 2 64 0.25 0.5, ठीक है, तो रेट की क्या वैल्यू आती है? 8। और एक्सपेरिमेंट 2 में रेट क्या है? 8 है, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह आप ये नोट कर, जी इसको आप नोट कर लें, फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग इनिशियल नोन क्वांटिटीज आर मिक्स्ड। अगला क्वेश्चन कीजिए प्लीज, ये नोट कर लें, जी आप क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें, हम उसके बाद अलग उस पर जाके ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लें। जी तो आपने ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड रेट इक्वेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म पहले देख लो कि यार आपने देखा H3C, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, ये बन गया H3CCO नेगेटिव रेडिकल CH3CN। आप बस H है, CN है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा, और यहाँ पे आपके पास के सी एन के पॉजिटिव प्लस सी एन नेगेटिव, तो सी एन नेगेटिव इसको दे देगा, ठीक है। उसके बाद H3C जो फाइनल चीज बन जाएगी, COH CH3CN, ठीक है, ये बन जाता है आपके पास। ये जो पहला स्टेप था आपके पास, दिस इज वाज द स्लो स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1/3, एक्सपेरिमेंट 1/3, ठीक है, वैल्यू आपने लिखी नहीं है, सो टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। फॉर्मेट क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू के कीटोन है आपके पास, ये एच पॉजिटिव भी है, बी
और सी एन नेगेटिव भी है सी। पहले एक्सपेरिमेंट में 1 है रेट, फिर के 0.020, ए 0.060, बी 0.060, सी रेट एक्सपेरिमेंट 3 में इज इक्वल्स टू के 0.020, ए 0.050, बी 0.060, सी। एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइड बाई 3 करना है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। के कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 1 1 हो जाता है, के कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.0050 ए, सो 1 इज इक्वल टू 1.2 ए, ठीक है। सो इसको आप 1.2 इज इक्वल टू 1.2, सॉरी ए नहीं है, बी है, बी बी एंड बी विल बी 0। हाँ जी, क्या समझ आया? नहीं समझ आया। एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइड बाय 3 हमने कर दिया, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, सब चीज कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, रिलेटिव इनिशियल रेट भी आपके पास गिवन था, ठीक है। आपने 1 डिवाइड बाय 3 किया, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस वाले में वो पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, तो उसी तरह आपने इसको सॉल्व किया, जो चीजें कैंसिल होती थी वो आपने कैंसिल कर दी, आपके पास एक फाइनल चीज जो है वो ये आ गई। उसके बाद आपने ये निकाल दिया, उसके बाद आपने ये निकाल दिया, ये 1 इज इक्वल टू 1.2 बी, सही है। 1.2 इज इक्वल टू 1.2 बी कैसे हुआ? बहुत आपका क्वेश्चन ये होगा, 1.2 रेज टू पावर 1 कर दें, आप 1.2 रेज टू पावर 0 कर दें, तो एनीथिंग पावर टू 0 इज बेसिकली 1, ठीक है। तो 1.2, ठीक है, सो बी आपको 0 आ जाएगा। एनीथिंग पावर टू 0, आप 10,000 भी 0 से करें तो 1 आएगा, आप 100,000 ऑफ 1,000 भी 0 से पावर करें तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। सो आपने 1.2 ले लिया, 1 की जगह 1.2 लेके 0 पावर कर, ताकि आंसर आपके पास 1 ही आएगा ना। ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, ठीक है। अब ये आप इसकी, ये भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इंडिसेस द्वारा पढ़ना शुरू कर दें, आई सजेस्ट, ठीक हो गया। इसमें आपने लिख लिया, अब ये तो आपके पास बी का ऑर्डर आया था, कोई और ऑर्डर भी आना है? अब एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा जी, 1 इज इक्वल टू के 0.020, ए 0.060, सी। इसमें आपने बेसिकली देखें, आपने देखा कि बी आपके पास 0 आ गया, ठीक है, ये बी था, ये आपके पास 0 आ गया। तो अगर बी 0 आ गया तो आप इस पूरे के पूरे कॉलम को ही इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि आप अब जो सी भी एक्सपेरिमेंट वो करेंगे तो उसमें आपके पास बी जो होगा वो 0 ही आ रहा होगा, तो इसको आप पूरा का पूरा कॉलम को इग्नोर कर देंगे बी वाले को। सो इसलिए मैंने यहाँ पे अब नहीं लिखा। अब 1 डिवाइड बाई 2 था, 2 में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 0.833 है, दोबारा के 0.020, ए 0.050, सी। डिवाइड करें, 1.2 1 के 1.2 सी, सी इज 1, ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह 4 डिवाइड बाय 2 करें, बी और सी तो अब आपने निकाल लिया, ए भी तो निकालना है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को 2 से करना है, तो 1.042
इक्वल्स टू के 0.025 A, 0.050 C। तो ये 0.833 के 0.020 A, 0.050 C डिवाइड करना था ना, तो ये डिवाइड इसको इसको करो 1.25। चीट टू फाइव इक्वल्स टू 1.25 A, सो ए आपके पास आ जाता है 1। ठीक है, अब आपके पास ए आ गया 1, ए आ गया 1, बी आ गया 0, सी आ गया 1। तो रेट इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, रेट इज इक्वल्स टू के कीटोन 1, सी एन नेगेटिव 1। ठीक है, ये मैंने आपको एक लिख दिया कि रेट इक्वेशन जो है वो ये है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका रेट इक्वल्स टू के, अब इसमें आप देखें मैंने एच पॉजिटिव नहीं डाला, एच पॉजिटिव 0 आ गया, इसको इग्नोर कर दिया, 1 एच पॉजिटिव 0 सी एन नेगेटिव 1। ऐसे लिखोगे ना तो ये 0 1 1 शो, ऐसे लिखोगे तो 1 1 शो कर भी दो तो कोई मसला नहीं, ना भी करो तो ऑलरेडी वो है कि ये 1 ही है। ठीक है, अच्छा जी ये वाला ट्राई करें आप, वही पुराना क्वेश्चन, फाइंड रेट इक्वेशन और के की वैल्यू फाइंड। ठीक है, फाइंड रेट इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ट्राई करें हम। अच्छा जी, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हमने ए की ऑर्डर फाइंड करना होता है, सो सबसे पहले मैं मुझे लगता है कि मुझे 2 डिवाइडेड बाय 1 करना चाहिए, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, 2.5 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के 0.2 A, 0.1 B। 1 में क्या है, 2.5 × 10⁻⁵ के 0.1 A, 0.1 B, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया 1, 0.2 डिवाइड बाय 0.1 A, 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर A, तो A विल बी 0, क्योंकि आप एनीथिंग पावर टू 0 इज 1, तो 2 रेज पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसी तरह अब जो हो वो बी की वैल्यू फाइंड करें, तो बी के लिए मैं कहता हूं कि मैं 3 डिवाइडेड बाय 1 ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे, सो 3 डिवाइडेड बाय 1, 5 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू के 0.2 B। अब ए तो 0 आ गया तो मैं इसको कर देता हूँ इग्नोर। ठीक है, इसको कर दो रिजेक्ट, इसको कर दो इग्नोर, ठीक है ना, जैसे वो तुम्हें करती है, के इज 0.1 B। ठीक है, ये आ जाता 2, के कैंसिल, ये 2 रेज टू पावर B। अब B इज इक्वल टू 1, बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होती है, तो B इज 1, हेंस रेट इज इक्वल टू के A रेज टू पावर 0, B रेज टू पावर 1। ठीक है, K की वैल्यू फाइंड करने तो रेट 2.5 × 10⁻⁵ डालो। ठीक है, B जो है वो 0.1 डाल दो, तो K क्या आएगा, 2.5 × 10⁻⁴ S − 1। ठीक हो गया, तू कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हाँ अंडरस्टूड।
नोट डाउन कर लें। इसके बाद फिर मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अच्छा जी, नोट कर लिया आपने। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मेरा अपना क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए इसमें और इसमें आपको क्या समझ आता है, ट्राई करें पहले, उसके बाद मैं फिर आपको आगे की हिकमत लाए अमल बताऊंगा कि आप इसमें क्या करें। ट्राई करें पहले, शाबाश। जी तो मुझे पता है कि आप में से किसी से हो नहीं रहा है क्वेश्चन, सो मैं ही कोई करता हूँ कुछ काम। मेरा पहली बात तो ये है कि आपके सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है जो 0, 1 और 2 है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 0, 1, 2, 3 तक है, ठीक है? एक और ऑर्डर मैंने डाल दिया इसमें, क्या हो गया? ठीक है, सो अब इसमें आपको शायद प्रॉब्लम हो रहा है कि अब क्या करें। मुझे पता है कि आप लोग कहाँ जाके जो है वो अटक फंस गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सबसे पहले उसी तरह करना है जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले 3-4 क्वेश्चन। 2 डिवाइडेड बाय 1 मुझे सूटेबल लग रहा है, मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूँ, ठीक है? रेट 9.72 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू k 0.2 a 0.3 b। 9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू k 0.1 a 0.1 b, ठीक है? अब आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है? डिवाइड करके ये 108 आता है, के कैंसल, ये 2 रेस्ट पावर a और ये 3 रेस्ट पावर b, ठीक है? यहाँ पे आप जो हो वो आके स्टॉप हो गए हो कि आप क्या करें। अगला करते हैं, कोई मसला नहीं, 3 डिवाइड बाय 1 कर, नहीं, साइमल्टेनियस से नहीं करना, सुने ना। अब 3 डिवाइडेड बाय 1 देखो, 5.184 × 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.3 a 0.4 b। डिवाइडेड बाय 1, 9 × 10⁻⁶ इक्वल टू k 0.1 a 0.1 b। ये आता है 5.76 इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर a 4 रेस्ट पावर b। ये आपके पास आ गई एक, ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आप जो हो वो फंस गए हो कि अब हम क्या करें, ठीक है? अरे ठीक, ये क्या हो जाता है इसको? जी आप लोग हो गए हो परेशान कि अब इसको हम क्या करें। बेटा आपको बता दिया कि आपके सिलेबस में 0, 1, 2 ऑर्डर्स हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन 0, 1, 2 और 3 ऑर्डर्स में से है। अब ए देखो एक चीज का ऑर्डर, बी देखो दूसरी चीज का ऑर्डर, ये 0, 1, 2, 3 जो है वो यहाँ पे लगा के मेंटल मैथ्स करके आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व, ठीक है? 2 रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 0 तो बिल्कुल भी नहीं आता, 2 रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 1 भी नहीं आता, 2 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 2 भी नहीं आता, 2 रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 3 भी नहीं आता, ठीक है? मैं अब पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है?
अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब आपने देखा कि दोनों को जीरो रखें, दोनों को वन रखें, दोनों को टू रखें, दोनों को थ्री रखें तो 108 नहीं आता। अब आप शफल कर दे, टू इज इक्वल्स टू जीरो इज इंटू थ्री रेस टू पावर वन नहीं आता, टू इन टू रेस टू पावर टू इंटू थ्री रेस टू पावर थ्री कर दे, ठीक है, कहाँ गया, टू रेस टू पावर टू इंटू थ्री रेस टू पावर थ्री कर दे, क्या आता है ये चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, तो 108 आ जाता है, ठीक है, आ गया आपके पास 108। अब तो इसका क्या मतलब है, ए टू है बी थ्री है, अब ये जो है ये इसमें डाल के देखें, थ्री रेस पावर थ्री इंटू फोर रेस पावर थ्री क्या आता है, थ्री स्क्वायर इंटू फोर 576 आ जाता है। इसका मतलब आपके पास आंसर जो है वो ये है, क्यों चेंज हो जाती है, ठीक हो गया, कुछ समझ आया थोड़ा, आगे और करेंगे क्वेश्चंस तो आपको आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या था, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि आपका दिमाग और खुले, ये दिस इज द इस टाइप का क्वेश्चन, रेट इक्वेशन बनाना, के की वैल्यू फाइंड करना, ऑर्डर निकालना, दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन, इससे मुश्किल क्वेश्चन ना आएगा, ना आता है, ना कभी आया है, ना हमने देखा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू खुद डिसाइड करनी हो, ये आप दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन जो इसमें से निकाला जा सकते हैं, ठीक है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। और बेसिकली शायद बहुत सारे लोग ये कहें कि भाई तुक्का मारना है, तो तुक्का नहीं मारना, ठीक है, तुक्का कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, मैथ्स करके, मैथ्स इस्तेमाल करनी है और अकल इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी, तो हो जाएगा। और ऑर्डर ये तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑर्डर थ्री आ रही है, आपके सिलेबस में ऑर्डर थ्री है ही नहीं, ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में जीरो वन टू ऑर्डर में से इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तब आपने जीरो, तीन नंबर है आपके पास, जीरो वन और टू, तो उन्हीं को ही ऐसे शफल करके इधर उधर करके थोड़ी सी अकल लगा के आपने आंसर निकाल लेना है। आप जो भी आंसर निकालो, ए और बी, ये आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए क्योंकि आपके पास देखो टू रेस टू पावर ए इंटू थ्री रेस टू पावर बी इज इक्वल टू 108, आपको बताया हुआ है कि आप ऐसे ऑर्डर्स लगाओ, ऐसे पावर्स लगाओ कि आपके पास आंसर 108 ही आए, ठीक है। सो ये आपके पास बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता गलत हो सकता है, जिसमें अगर गलती हो सकती है तो वो आपके इसमें हो सकती है कि टू डिवाइडेड बाय वन करना है या वन डिवाइडेड बाय टू करना है, इसमें गलती हो सकती है, लेकिन ए की पावर निकालना, बी की पावर निकालने में गलती नहीं हो सकती। जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आपने खुद करना है और इंशाल्लाह हम कल क्लास में दोबारा इसको देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है, या नहीं सिर्फ ये वाला, इसको छोड़ दें, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है, पढ़ी भी आपने, आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है, और ठीक है, ए लेवल में ही पढ़ी है, ओ लेवल में आपने रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक हो, कि और उसमें आपने क्या डेफिनेशन ही पढ़ी है, और फिर कुछ चीजों की हाफ लाइफ डिटरमिन करनी होती है, पेपर में ग्राफ दिया होता है, फैन करेक्ट, तो हाफ लाइफ बेसिकली द टाइम टेकन फॉर ऑल द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस टू फॉल टू इट्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, क्या मतलब, मतलब ये कि पहले अगर शुरू में 0 सेकेंड्स पर 100 थी, 10 सेकेंड्स पर 90 थी, 20 सेकेंड्स पर 80 थी, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, ठीक है, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, 100 से 50 आ गया, तो इसकी हाफ लाइफ जिस टाइम पर वो आ रहा होगा
वो टाइम उसका हाफ लाइफ होगी। किसकी हाफ लाइफ 40 सेकेंड है, इसकी हाफ लाइफ 50 सेकेंड है। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, ये आप देख सकते हैं कि इधर आपके पास टाइम दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन दी भी है, और इसमें टाइम कॉन्सेंट्रेशन देखिए 10, 8.5, 7, 5.5, 4, 2.5, 1, और टाइम दिया हुआ है इसी तरह। तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, 10, 5 होगी। सो बेसिकली ये 3 और 4 के कहीं दरमियान है। ठीक है, बेसिकली ये अब 4 से पहले पहले और 3.5 के बाद, 3.5 से 4.0 के दरमियान इसकी हाफ लाइफ होगी। इसी तरह आप ये देखें तो इसकी भी हाफ लाइफ जो है वो 50 से 10 आ जाएगी जब, तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 और 15 के दरमियान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है, और इसकी आपके पास हाफ लाइफ जो है वो गिवन है। इसमें हाफ लाइफ आपके पास कैसे गिवन है, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? आप ये देखो कि आपके पास जो थी वो पहले कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, आधी होगी 50 पर, तो आधी कहाँ पे हुई, यहाँ पे। ठीक है, 50 से आधी 25 हो गई, तो कहाँ पे आधी हुई, यहाँ पे 25 से 12.5, ये हाफ लाइफ। फिर 12.5 से 6.25, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है। तो इसका जो हाफ लाइफ की बात है वो इस तरह है। ठीक है, सो ये ग्राफ, ये भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स के ग्राफ्स कैसे होते हैं, 0 ऑर्डर का कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर का कैसे होता है, सेकंड ऑर्डर का कैसे होता है, थर्ड ऑर्डर का कैसे। थर्ड ऑर्डर सिलेबस में ही नहीं है। इफ हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, ऑर्डर 1 होगा और उसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह होगा, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ इस तरह होगा ऑर्डर 1 का। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको प्लीज आप जो हो वो नोट कर लें, जरा देख लें इसको, कुछ अगर आपने क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, हाफ लाइफ का हमने बात जब देख ली, तो हाफ लाइफ से जाओ यार, हाफ लाइफ से पहले कुछ ग्राफ्स अगर आप बना लें, तो रेट इज इक्वल्स टू के, रेट इज इक्वल्स टू के सी, और परे हो रेट इज इक्वल्स टू के सी स्क्वेयर का ग्राफ। तो इसके ग्राफ्स कैसे होंगे, रेट इज इक्वल्स टू के का देखो, रेट इज इक्वल्स टू के सी का देखो, रेट इज इक्वल्स टू के सी स्क्वायर का देखो। तो ये बेसिकली रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है, रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, रेट इज इक्वल्स टू के होगा, यानी कि ऑर्डर 0 होगा तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, और रेट इज इक्वल्स टू के सी फर्स्ट ऑर्डर होगा तो रेट कॉन्सेंट्रेशन ऐसी लाइन होगी या ऐसी लाइन होगी। ठीक है, ये वाली लाइन रेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए होगी, ये वाली लाइन कॉन्सेंट्रेशन टाइम के लिए होगी। सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो रेट रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी और कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी। ठीक हो गया, अंडरस्टूड, गुड हो गया। अब यहां पे आप देखे हो, यहां पे आप देखो कि आपने यहाँ पे ये बना तो लिया। ठीक है, ये 20 तक लाइन ऐसी बनी हुई है कि आपने 20 तक देखते, नीचे ना जाओ, और 0 से 5 आप गए जब टाइम में, तो
तो 50 से 25 हो गया। डिफरेंस क्या है? 35 रेट, 35/5, 25 से 12.5, 10 का दोबारा डिफरेंस 12.5/5, 2.5, 12.5 से 6.25, तो 6.25/5 इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। सो इधर आप एक चीज जो है वो डिड्यूस करते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो पता नहीं कहाँ गया आप, इज हाफ, ठीक है, हाफ हो रही है कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, हाफ। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ग्राफ इसका जो है वो इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। और आपने ये भी देख लिया कि 0 ऑर्डर, हाफ लाइफ, ठीक है। अंडरस्टूड हो गया, कोई इसमें परेशानी की बात तो नहीं है। ठीक हो गया, ये एक समरी सी है, ये अगर आप नोट कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। ओके, ये क्वेश्चन देख लें, कर लें तो अच्छा होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन, ऑर्डर फाइंड करें, ठीक करें। सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, ठीक, नहीं 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 करते, 1.6 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू के 1.1 × 10⁻², ए 1.7 × 10⁻³, बी अपॉन 2.3 × 10⁻², टू के 1.6 × 10⁻², ए 3.6 × 10⁻³, बी। सॉल्व करें, के तो कैंसिल, क्या आता है 1.6, क्या बकवास है यार, 2 × 10⁻²⁷ अपॉन 2.3 × 10⁻²⁷, यह है 0.69 इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻², आंसर अपॉन 1.6 × 10⁻², ये आज है। सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाय 1 कर, ठीक है, नहीं सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सेम तरीका करोगे 1 डिवाइडेड बाय 3, और आपके पास यही तरीका आजमा के ये वाला है, ठीक है, करके ऐसी किस्म की एक आपके पास आएगी क्वेश्चन, उसमें से जब आपके पास ऑर्डर 0, 1, 2 है तो एक निकाल लोगे, बी निकाल लोगे, टाइम खत्म हो गया, तो ए जो होगा वो आपके पास 1 आएगा और बी जो होगा वो आपके पास 0 आएगा। इसका टाइम ही आपसे करना है, इसमें अगर हम डाल के देख लेते, ठीक है, 0.6875 आंसर इंटू 0.470। सो ये जो, जी बिल्कुल, ये आ जाता है, ठीक है। ए 1 डालो और बी 0 डालो तो ये जो है ये आपके पास करेक्ट है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं और ये देखें आप,
प्रिडिक्शंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म, ये प्लीज नोट डाउन कर लें आप। थोड़ा सा गला खराब है आज, तो शायद आपको आवाज ऐसा आ रही होगी, थोड़ा सा आज गला खराब है, मौसम चेंज हो रहा है। मूविंग ऑन, अब आप ये लिख लें, आखिरी चीज बहुत जरूरी है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इंडिकेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन और बिफोर द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इन और बिफोर द रेट डिटरमिनिंग स्टेप को अंडरलाइन कर, बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगा, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, और ये कोई पिछले 19-20 साल से इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। अब जब और जो रेट इक्वेशन की बात आती है, रेट कांस्टेंट की बात आती है, तो जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर 1 ही आ रहा है पिछले 19-20 साल से, ठीक है। ऑर्डर जो है वो 19-20 साल ऑर्डर 1 ही आया है, और 2 नहीं आया, ना 0 नहीं आया। तो यार क्वेश्चन पढ़ लें, ये क्वेश्चन आप देख लें ये वाला, लेकिन इसका अभी आंसर ना लिखें, अभी हमने इसकी बात कर नहीं है ना। बी का देखें, रिएक्शन रेट वाज स्टडीड यूजिंग सॉरी यूजिंग टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन, रन ए जो है वो इसकी है, रन बी इसकी है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ द कंसंट्रेशन, तो ग्राफ कौन सा है, ये आपके पास रन ए है और ये रन बी है। पहले मैं आपने इनिशियल रेट ऑफ रन ए देखना है और इनिशियल रेट ऑफ रन बी देखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इनिशियल रेट ऑफ रन ए और इनिशियल रेट ऑफ रन बी कैसे होगा जी? आपने रेट निकाल लेना। अच्छा जी, रेट आपको निकालना आता है, हम असल जो मकसद है ना उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो असल इस क्वेश्चन का पर्पस है, उस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, आप देखें कि ये आपके पास एक वो दिया हुआ है ना, अगर एग्जामिनर ने, तो अब आप अगर देखें अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग योर रिजल्ट्स कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओएच नेगेटिव, ओएच नेगेटिव रन बी है, अच्छा दोनों ए बी ओएच नेगेटिव, ओएच नेगेटिव ऑर्डर आप फाइंड करना है। आपने पढ़ा था कि जब हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है तो ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जो होता है वो हाफ लाइफ कांस्टेंट का मतलब है ऑर्डर इज 1। अब हाफ लाइफ निकालने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे छोड़े मूव करते ही नहीं है ना। हाफ लाइफ आपने अब बनानी होगी ना, तो आप हाफ लाइफ आपने स्टार्ट में बनानी है 0.05,
01 पर, ठीक है, यहाँ पे बना दें और यहाँ पे बना दें। ये देखिए, ये आपके पास क्या बन गए, आपने टेंजेंट बनाया और आपने ये देखा कि ये क्या है 12, ये क्या है 22 24। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट ड्रॉ करने में आपके पास ये 28 ये 24 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इसको 24 पर ले आते हैं, ठीक है। हमने हाफ लाइफ कांस्टेंट शो करनी है ना, ये लो। ये आपने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या आ जाता 24। अब आप देखो कि आपके पास ये क्या आ जाता है 12, ये क्या आ जाता है 24, डबल हो गया, हाफ लाइफ कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 12 है, यहाँ से 20, दोबारा 12 है। अगर हाफ लाइफ जब कांस्टेंट होगी, ठीक है, हाफ लाइफ जब कांस्टेंट होगी रेज होने वाला है, रेज हो गया, हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी तो ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। व्हेनेवर हाफ लाइफ इज कांस्टेंट ऑर्डर इज 1, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है वो इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपने इसी तरह इसको आगे सॉल्व करते जाने, ठीक है, और ये इसी तरह टेंजेंट्स बना के ड्रॉ होता जाएगा। आपने ड्रॉ करने का एक और तरीका, आप ये देखोगे 0.01 है, हाफ लाइफ कहाँ पे होगी 0.05 पे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे 0.05 0.25, ठीक है। पॉइंट 25 से मजीद वो करोगे तो आई थिंक कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से तकरीबन कोई कैलकुलेटर है यहाँ पे, कैलकुलेटर दें सर जल्दी करें। 0.025 / 2, 0.0125। कुछ यहाँ पे आ जाता है हम कहते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा यहाँ से आप बना दोगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी जो है वो हाफ लाइफ देखते रहोगे कि ये दोबारा 12 है, ये दोबारा 12 है, ये आगे भी 12 ही होनी चाहिए। तो हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, सो ऑर्डर इज 1। आपने यहाँ पे देखा था ये, ठीक है, हमने ये समरी लिखी थी ना, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ऑर्डर 1 इसी तरह आप जो हो वो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके आंसर लिखे हुए हैं, अब आप ये नोट डाउन करना शुरू करें जी, इसको नोट डाउन करें आप, करें जी नोट डाउन। नोट डाउन प्लीज, प्लीज हरी अप।
एक्सपेरिमेंट ए में कॉन्सेंट्रेशन एक्स है, बीम भी एक्स है, रेशियो ऑफ रेट 1:1.5 हो जाएगा, 1.51 हो जाएगा टाइम का रेशियो। ऑर्डर टू है रेट ऑफ ए रेट ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन ए कॉन्सेंट्रेशन बी 1:4 हो जाएगा, ग्राफ ही साथ दिया हुआ है। इफ ऑर्डर इज टू कॉन्सेंट्रेशन ए बी रेशियो 1:1.5 रेट ऑफ ए रेट ऑफ बी 1:2.25 टाइम का बी, इसी तरह आपने निकाल लिया। तो भी आप देख सकते हो कि जब ए बी कॉन्सेंट्रेशन 1:2 रेशियो 1:2 टाइम 2:1, टाइम 2:1 है 20:10 हो जाएगा, 22:11 हो जाएगा, 24:12 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह टाइम यहाँ पे 1.51 है, ये 15:10 भी हो सकता है, ठीक है, हो गया जी। अच्छा जी, अब जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा था उसको सॉल्व भी तो करना है ना। रेट इक्वेशन बना के k की वैल्यू नहीं निकालनी, निकालनी रेट इक्वेशन बनानी है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, करते हैं। एस्टर वो एच नेगेटिव, रेट क्या है? एक्सपेरिमेंट ए क्या हो जाएगा? 0.001 सॉरी 0.2 नहीं 24, टाइम को देखना है ना, कंसंट्रेशन ओवर टाइम 12। अब उसी तरह बी डिवाइड बाय ए 0.4, नहीं ये तो कैंसिल हो जाएगा, टू हो जाएगा, इसको आपस में डिवाइड करें इसको इसमें तो टू आ रहा है, टू 1। पी आपके पास पी जो है वो 1 आ जाता है। अब रेट इक्वल टू के एस्टर 1:1 0.001/24 टू के क्या आता है, के की आप फाइंड करें वैल्यू क्या आती है। कैलकुलेटर के की वैल्यू है 0.21, ठीक है, चेक करने दो मुझे वैसे। मोल ये आती है केक की वैल्यू, ठीक है, 0.2 ± 0.05 अच्छा मिनट्स में है, सॉरी, ये सेकेंड्स में नहीं है मिनट्स में, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व
सॉल्व कर लिया। ये बहुत दफा इस किस्म के क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में, और अब उसकी बात है इसी किस्म के, बहुत आसान इजी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। ठीक, नोट कर ले आप। ये एक और इक्वेशन है जो कि अब आपको टॉपिक के एंड पर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ठीक है, ये टी 1/2 क्या है, ये हाफ लाइफ है, ठीक हो गया। तो ये एक इक्वेशन है, इसको लिख लें, काम आ सकती है कभी। ठीक है, अगला और आखिरी टॉपिक, सुटेबल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर स्टडीइंग रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इस्तेमाल करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का आसान तरीका, ठीक है, आसान वजीफा। इसके ऊपर मैं एक और बात बताता चलूं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, घुमा के आ सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ लिंक हो के आ सकता है, मतलब नॉलेज तो हो ना आपको इस बात का कि अगर आ जाए तो आप क्या करो। सिंपल तरीका है, आपने सिर्फ लिखना है, एक दफा आप लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब इंशाल्लाह मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो प्लीज स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। जब आपने नोट करना है और कुछ भी नहीं करना। आगे चलें, इसको लिखें। कीप इन माइंड कि ये कैलोरीमीटर है, दिस इज अ कैलोरी मीटर, ठीक है, ये कैलोरी मीटर नहीं है, कैलोरी मीटर। एग्जामिनर रिपोर्ट में अगर आप देखें तो बहुत जगह एग्जामिनर ने लिखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलोरी मीटर लिखना होता है, वो कैलोरी मीटर लिखते थे, तो ये कैलोरी मीटर है। स्पेलिंग से भी अंदाजा हो रहा है कि COLOR को कैलोरी मीटर। इसको सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना, लिखें एक दफा आपको ये खुद क्लियर हो जाना है।
अच्छा आई थिंक एक चीज मुझे आपके साथ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो मिस हुई भी है, उसको नोट कर लें फिर साथ लिखते हैं। साथ लिखना, सिर्फ लिखना है। क्लास में ज्यादा बोल मैं नहीं सका, मौसम चेंज हो रहा है जरा, तबीयत गला डाउन है। अच्छा जी, आपने अगर ये लिख लिया है तो मैं अब जरा अच्छा लिख लिया आपने, आगे लिखें ऑप्शन वन। ये प्रेजेंटेशन बनाने में चीज मिस हो गई थी, तो अब साथ साथ लिख रहे हैं। अगली स्लाइड पर जा रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए, पिछली चीज आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है,
मूविंग ऑन, लिखिए आप नई स्लाइड्स दो। ऑप्शन टू, जी तो अभी देखो ऑप्शन टू में हमने ये बात कर दी, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। टेंजेंट आप टाइम जीरो पर बनाओगे, टाइम जीरो यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, सॉरी स्केल ये ना मेरा, तो फिर ये होगा टेंजेंट। आप यहाँ पे ऐसे करके जब बनाते हो ये यहाँ पे, ठीक है, तो आप जो हो बाकी के हाफ लाइफ करके ऑर्डर फ्लो करके काम अपना कर लेते हो, ठीक है। सो ये आपने देखा, ठीक हो गया। स्टार्ट ऑफ द कर्व में टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। क्यों? टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह एच पॉजिटिव आई टू कीटोन थ्री लोगे, फोर लोगे, कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम, 2 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम, ठीक है। तो इस तरह आप एंजाइम्स वगैरह बना के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड कर लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर यहाँ, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुन वाके लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और प्लीज हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।